हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का सिलेक्शन मेंटर में स्वागत करता हूं। सिलेक्शन मेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग यहां पर लगातार आरआरबी एनटीपीसी जो 2020 में जिसका एग्ज़ाम होना, जो CBT-1 है उसका एग्ज़ाम होना होने की संभावना जो दिख रही है, उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। और जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि शायद हम लोगों के पास में 1.5 से 2 महीने का समय है, तो इस बीच हम लोग 45 प्रैक्टिस सेट्स जो है वो टोटल कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वन बाई वन जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप इसको आराम से पढ़िए, सुनिए, समझिए। वैसे आरआरबी में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा सेक्शन जो है वो जीएस का आता है, जनरल स्टडी का आता है। तो जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये सेट नंबर 5 है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सेट नंबर 5 है और इस सेट नंबर 5 को, ये किरण प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 5 है। किरण पब्लिकेशन जो बुक आती है काफ़ी सहायक है ये रेलवे की तैयारी करने के लिए, तो उसके हम सेट नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और जब ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसके आगे और भी सेट जो है आपको कराऊंगा बहुत ही जल्दी। जैसा कि मैंने कहा है कि रीजनिंग और मैथ्स जो है वो भी आपको मिलने वाले हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से छोटा, प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि सिलेक्शन मेंटर आपके साथ में अब लगातार मेहनत कर रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साथ थोड़ा सा, कह सकते हैं थोड़ी सी हमारी हेल्प करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट एक लोगों तक इसे और मोटिवेट करके बढ़ाएंगे। आई होप, मैं सभी लोगों के लिए कामना करता हूँ कि आई होप कि सभी का सिलेक्शन जो है वो आरआरबी में हो जाए, ठीक है। और इसके लिए आपको जो तैयारी करनी है वो आप बेहतरीन तैयारी यहाँ से कर पाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जनरल स्टडी का ये पहला क्वेश्चन है। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या है? यानी ऐसी घटना के बारे में, ऐसे इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है प्रकाश के, उसको वो घटना क्या है? चार ऑप्शन है, प्रावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण। देखिए बेटा, ऐसा है, अनुप्रस्थ स्वरूप का मतलब हो गया, जब जब मान लेते हैं कि अगर किसी वेव के चलने की दिशा ये है और अगर इसके परपेंडिकुलरली, अगर इसके लंबवत अगर कोई चीज चल रही है, इस तरीके से चल रही है ये, तो ये अनुप्रस्थ स्वरूप कहलाता है, ठीक है। इसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स की कहते हैं। तो जिस घटना में जो लाइट है उसका ट्रांसवर्स वेव्स का फॉर्मेशन दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवीकरण। देखिए परावर्तन क्या होता है? किसी सरफेस से ध्वनि का या प्रकाश की तरंगों का टकरा करके वापस आना, ये परावर्तन है। व्यतिकरण में क्या होता है? ये जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो साबुन के बुलबुला जो है वो कई सारे, उस पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, कोई प्रकाश गिरता है तो अपने कई सारे रंगों में डिवाइड हो जाता है, तो ये जो घटना होती है इसको हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। विवर्तन की अगर बात करते हैं तो डिस्पर्जन होता है एक तरीके से, किनारों से लाइट का मुड़ जाना। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई अवरोध है और लाइट जो है वो इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है, बीच में छोटा सा होल है, तो वैसे तो लाइट को सीधे निकल जाना चाहिए इस होल से, लेकिन ऐसा ना हो करके वो ऐसे जो है किनारे से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो ये जो फैलाव है इसी को हम लोग बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि क्लोरोफिल जो एटम है, क्लोरोफिल, उसकी मूल संरचना में पोरफाइन रिंग होती है एक तरीके से, और पोरफाइन रिंग को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि जैसे आप लोगों ने हीमोग्लोबिन में हीम शब्द सुना होगा। हीमोग्लोबिन में हीम शब्द जो होता है, हीम जो होता है वे आयरन का बना होता है, ठीक उसी प्रकार से क्लोरोफिल में जो इसका केंद्रक अणु जो होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीशियम का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, ठीक। अगला क्वेश्चन है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि बीसी राय पुरस्कार जो है ये आपको पत्रकार, सॉरी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा यानी कि मेडिकल फील्ड में आपको दिया जाता है, ठीक, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं बीसी राय पुरस्कार जो है ये, इसकी स्थापना जो है ये भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा सन 1976 में किया गया था। 1976 में भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा इस बीसी राय पुरस्कार की को मतलब दिया जाना शुरू किया गया था। इसके लिए एकेडमी बनी थी, इंस्टीट्यूट बना था, संस्था बनी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन को इस तरीके से भी हम लोग पढ़ते हैं, डीवीसी, शॉर्ट में डीवीसी पढ़ते हैं।
तो दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन है, ये दामोदर घाटी अधिनियम 1948 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया था, और ये एक प्रकार से एक लीगल बॉडी है, ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांविधिक निकाय। ठीक, पहला ही आंसर इसका सही है। 1948 में बेटा, 1948 में इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, दामोदर वैली घाटी जो अधिनियम है 1948 में बनाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भारत का जो है वो है परमवीर चक्र। ठीक है, इसको पीवीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में, पीवीसी, परमवीर चक्र। और ये जो पुरस्कार है, ये थल, जल और वायु में शत्रु के सामने वीरता और साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है, और इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 में की गई थी। यहाँ पर मैं डेट भी लिख दे रहा हूँ, 26 जनवरी 1950। दोस्तों बाकी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये भी जो है वीर चक्र के रूप में ही है एक तरीके से, जैसे वीर चक्र ये भी शत्रुओं के समक्ष वीरता जो है प्रदर्शित करने के लिए होता है। परम विशिष्ट सेवा पदक जो है विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र शांति काल में दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग जो चक्र हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों को सम्मानित करते हैं, सैनिकों को सम्मानित करते हैं। पुलित्जर प्राइज जो है वो किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि पुलित्जर जो है वो एक जोसेफ पुलित्जर नाम के हंगरी मूल के अमेरिकन कह सकते हैं कि निवासी थे, और उन्हीं के नाम पर ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है ये साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसके लिए एक मतलब कह सकते हैं कि पुरस्कार के लिए जो संस्था की स्थापना हुई थी वो 1917 में हुई थी, 1917 में। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का प्रदूषक है, लेकिन ये क्यों है। पहला लिखा है, हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सीओ। अब सीओ जो है ये एक प्रकार का प्रदूषक है। अगर देखा जाए तो मनुष्य में के शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ये मिल करके एक विशेष प्रकार का जहरीला पदार्थ जो है वो बनाता है, विषाक्त या टॉक्सिक कह सकते हैं कि पदार्थ बना देता है, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घटने लगती है, टिश्यूज डेड होने लगते हैं, और व्यक्ति का दम घुटने लगता है, और मूर्छा आ जाती है, और कभी कभी इससे डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन हो गया, आठवां क्वेश्चन, भारत में कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कच्छ का रण जो है वो ज्वारीय मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ जो है वो पाकिस्तान और भारत के सिंध प्रांत में, एक तरीके से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और गुजरात में भारत में ये फैला हुआ है, थार मरुस्थल का ये एक हिस्सा है। ठीक है, और इसमें जो है कह सकते हैं कि जो नमक की मात्रा जो है इसमें काफी ज्यादा है, लवण की मात्रा इसमें काफी ज्यादा है। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता के क्षेत्र को ऋण देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक। ठीक, तो कॉमर्शियल बैंक किस क्षेत्र के लोगों को ऋण देते हैं। देखिए भारी उद्योगों के लिए तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन कहने का मतलब है ये डेवलपमेंट बैंक जो है इनके लिए अलग से बने होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IDBI है, ये सब जो है इसको इसके लिए इसकी सहायता करने के लिए है। लेकिन कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंक जो है वो लोन देते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। उसके बाद पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जून जुलाई है। कई लोग इस पर टिक लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जून जुलाई से जून है, यानी कि जुलाई से लेकर के आगे अगले वर्ष का जून तक ये लेखा वर्ष होता है भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये आपकी 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में, और डेट थी इसकी भैया 1 अप्रैल। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, RBI Act 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं, जिस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय की स्थिति को क्या कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। तो इस दीर्घवृत्त की खासियत ये होती है कि सूर्य किसी एक फोकस पर होता है, इससे पृथ्वी एक बार पास में और एक बार दूर में आती है। तो जब पृथ्वी दूर होती है तो पूछा जा रहा है पृथ्वी सबसे अधिक दूर होती है तो इसको क्या बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे अपसौर, हिंदी में क्या बोलते हैं अपसौर, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसौर। सौर मतलब सूर्य, उप मतलब पास, और अप मतलब दूर, सूर्य मतलब सौर। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में,
सॉरी एपिहिलियन बोलते हैं, एपिहिलियन, पेरिलियन पास्ट इसको बोलते हैं, उपसौर को पेरिलियन बोलते हैं और अपसौर को एपिहिलियन बोलते हैं, ठीक है। दूर की बात पूछी गई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस जो होती है वो मिश्रण किसका होता है? मुख्य रूप से इसमें जो होता है वो होता है मीथेन, मुख्य रूप से मीथेन होता है। तो मीथेन हमारे दो ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन मीथेन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड इसका अवयव होता है। तो मीथेन की जो मात्रा होती है ये आपको ध्यान रखना है, मीथेन की मात्रा 55% से लेकर के 55% से लेकर के 75% तक हो सकती है बेटा, ठीक है, 55 से 75% तक हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार थी, पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? मीरा कुमार थी, जिन्होंने 2009 से 2014 तक लोकसभा की अध्यक्षता वो करी है, 2009 से 2014 तक। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सुमित्रा महाजन जो है वो दूसरी लोकसभा महिला स्पीकर थी, ठीक है, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर जो है वो सुमित्रा महाजन हुआ करती थी। लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? भूमध्य सागर से, ठीक है, तो भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिम भारत की ओर कौन सी हवाएं चलती हैं? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या है? पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर क्षेत्र से चलते हैं और एक तरीके से ये एक उष्णकटिबंधीय जो है वो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल तूफान है एक तरीके से, जो कि शीत ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में अचानक से वर्षा करते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि दिसंबर के आसपास भारत में बारिश होती है, तो ये इसी के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है, और दिसंबर जनवरी के आसपास, ठीक। नॉर्वेस्टर की बात करें तो नॉर्वेस्टर को एक तरीके से भारत में एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है काल बैसाखी। भारत में इसको काल बैसाखी के नाम से भी, काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, और अप्रैल में जो है ये वर्षा करता है और काफी खतरनाक वर्षा होती है ये, ठीक है। लू तो आपको मालूम ही है, ये एक तरीके का लोकल विंड है जो कि गर्मी के समय में भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में चलती है। मैंगो शावर जो है ये एक तरीके से अर्ली मानसून जो होता है भारत का, अर्ली मानसून प्रारंभिक मानसून जो होता है जो समय से पहले आ जाता है उसको मैंगो शावर बोलते हैं, दक्षिण में जल्दी से आम पक जाते हैं, ठीक है। चलिए संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में नहीं लिखा गया है, किसके बारे में बंद नहीं दिया गया है? तो संविधान में निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, वित्त आयोग का भी वर्णन है भाई 280 में, और लोक सेवा आयोग यानी 315 में इसका भी वर्णन किया गया, आर्टिकल्स में इनका वर्णन किया गया। तो इसका मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, योजना आयोग जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, योजना आयोग जो है असंवैधानिक निकाय है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो संविधान सॉरी योजना आयोग जो है इसकी इसके लिए केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित किया गया था, और उसी की सिफारिश के द्वारा अगर देखा जाए 1950 में योजना आयोग को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, योजना आयोग को 1950 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका प्लानिंग कमीशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, और प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करने का काम करता था, 5 ईयर प्लान जो है FIP जो है उनको बनाने का काम करता था, ठीक है। आगे लिखा है महाबलीपुरम एक आश्मीय शैल मंदिरों से का प्रसिद्ध नाम क्या है? एकाश्मी मतलब एक पत्थर से बने हुए, एकाश्मीय शैल मंदिर का मतलब ये हो गया एक ही पत्थर से जो मंदिर बना है। महाबलीपुरम में स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो भैया ये रथ मंदिर है, ठीक है, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि तमिलनाडु में कांचीपुरम एक जिला है, वहां पे महाबलीपुरम मंदिर है, महाबलीपुरम जगह है, वहां पे रथ मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, थीके? तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई है कि वो किसके उदाहरण है, तो ये रथ मंदिर के उदाहरण है, ठीक। आगे लिखा हुआ एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? तो एसी को डीसी में जो बदलता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर, हिंदी में इसको परिशोधक भी कहा जाता है, रेक्टिफायर भी कहा जाता है। एमीटर जो है ये विद्युत धारा को नापने का काम करता है, गैल्वेनोमीटर भी एक तरीके से विद्युत धारा को ये देखने का काम करता है, करंट जो है सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रांसफर जो है वो एसी और डीसी, एसी की अमाउंट को जो है वो एक तरीके से कंट्रोल करता है, कम या ज्यादा होने से बचाता है, ठीक है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती? तो बुरादे से ढकी हुई बर्फ बर्फ क्यों जल्दी से नहीं पिघलती? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है भाई, ठीक है, और ये बर्फ की गुप्त ऊष्मा को बचाए रखता है अगर इसे ढक दिया जाए बर्फ को तो, ठीक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, बचपन में आपने पढ़ा होगा।
पृथ्वी के वायुमंडल की किस एक परत में ओजोन परत होती है? देखिए, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो पांच भागों में बटा होता है। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, ये होता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर होता है मेजोस्फियर, मध्यमंडल। इसके ऊपर होता है आयनोस्फियर यानी कि आयन मंडल। और इसके ऊपर जो होता है वो होता है एक्सोस्फियर, जिसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं। अब जो आपका ये ओजोन होती है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में। लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रोपोस्फीयर में भी पाया जाता है, तो हम इसको नगण्य मारते हैं एक तरीके से। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? समताप मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है समताप मंडल। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो भैया ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये एक बहुत ही महान मूंगे की दीवार है जो कि प्रशांत महासागर के कह सकते हैं कि पश्चिमी भाग में है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। प्रवाल द्वीप है एक तरीके से, बहुत बहुत ही लंबी दूरी है इसकी, लगभग 2300 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, 2300 किलोमीटर तक लगभग फैला है, तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय भाई ये जो है राकेश शर्मा जी हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। 2 अप्रैल सन 1984 को, बहुत सारे लोग आप में से इनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो 2 अप्रैल सन 1984 को रशिया के, उस समय सोवियत रशिया बोला जाता था उसको, सोवियत संघ का हिस्सा था वो, तो सोवियत रशिया के रॉकेट सोयुज P-11, सोयुज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सोयुज P-11 के साथ ये गए थे अंतरिक्ष में। ठीक है, तो अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय हैं ये। ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे ड्रैगन सीड। ड्रैगन सीड ये किताब किसकी है? तो ड्रैगन सीड ये किताब जो है ये पर्ल एस बक की है। शेक्सपियर भी बहुत ही फेमस अंग्रेजी के कह सकते हैं राइटर हैं, आपको इनकी बहुत सारी किताबें याद होगी, जैसे कि जूलियस सीजर, मैकबेथ, टेम्पलेट, है ना, इस तरीके से बहुत सारी किताबें आपको इनकी याद होंगी। ओके, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, 23वें नंबर क्वेश्चन, इससे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना का छत्री सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। तो छत्री सैनिक प्रशिक्षण स्कूल को हम लोग पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बोलते हैं, पीटीएस शॉर्ट में कह सकते हैं इसको। ठीक है, पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल, पीटीएस, और ये जो है आगरा में स्थित है। हालांकि इसकी स्थापना सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1941 में करी गई थी, 1941 में, ठीक है, 1941 में इसकी स्थापना पहले की गई थी, और उस समय इसकी स्थापना 1941 में दिल्ली में करी गई थी। ठीक है, और तब इसका नाम जो है पीटीएस ना हो करके तब इसे एयर लैंडिंग स्कूल कहा जाता था, लेकिन 1942 में इसे पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया गया और भारत की आजादी के बाद इसे आगरा वापस ले आया गया। ठीक है, तो ये आगरा में है, और इसको स्काई हॉक्स भी कहा जाता है, पीटीएस को स्काई हॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बिस्मिल्ला खां इनमें में से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, बिस्मिल्ला खां इनमें में से संबंधित हैं। तो भैया बिस्मिल्ला खां जो है बहुत ही प्रसिद्ध सेनाई वादक हैं, जो कि बिहार में जिनका जन्म हुआ था, और 2001 में इनको सर्वोच्च सम्मान जो है भारत का वो भी मिला है, जो भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। 2001 में इनको भारत रत्न मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न बिस्मिल्ला खां जी हैं। ठीक है, बिहार में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो भैया मीनाक्षी मंदिर तो है मदुरई में। अब मदुरई कहाँ है? मदुरई तो आपको मालूम ही होगा कहाँ है, मदुरई जो है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इसको कहा जाता है, जो कि देवी पार्वती का एक स्वरूप है, मीनाक्षी उनका मंदिर है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? ब्रिटिश शासन के काल के दौरान भारतीय हस्तशिल्प का प्रमुख क्षय होने का प्रमुख कारण क्या है? पहला लिखा है कम कीमत वाली मशीन लगाना, मशीन बनाया जाना, और भेदभावपूर्ण टैरिफ देना, या दोनों या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोनों। आगे पूछा गया है एक आदर्श ईंधन वह है जो, यानी आदर्श ईंधन यानी आइडियल फ्यूल जो है वो क्या होता है? तो आइडियल फ्यूल सस्ता होता है, बिल्कुल सही है, कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है, बिल्कुल सही है, और उच्च ऊष्मीय मान वाला होता है, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहां पर स्थित है? तो भैया लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ये कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में स्थित है। कहां पर स्थित है? मसूरी में। मसूरी कहां है? उत्तराखंड में। कहां पर है मसूरी? उत्तराखंड, यूके में। ठीक, 1959 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1959 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए आगे लिखा हुआ है स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई,
स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई? तो के शंकर पिल्लई जो है ये रिलेटेड हैं एक तरीके से, भारतीय कार्टूनिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है और ये एक प्रकार के कार्टून में भी व्यंग चित्रकार हैं, तो ये व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक है? तो तबला वादक इनमें में से देखिए अली अकबर खान जो है ये तो सरोद वादक हैं। बिरजू महाराज जो हैं ये तो कथक करते हैं, आपको मालूम है कथक। और रविशंकर, पंडित रविशंकर, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, सितार वादक हैं। तो एक ही बचा ऑप्शन स्वप्न कुमार, तो स्वप्न कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस गति के नियम को, किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप बस में बैठे होंगे, बिल्कुल सही बात है, जब बस में बैठे होंगे और अचानक से बस चल देगी तो आप हल्का सा पीछे की ओर झुक जाएंगे या धक्का लगेगा आपको। तो इस प्रकार से ये जो धक्का है ये न्यूटन के प्रथम नियम को, गति के पहले नियम को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अगर स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगी, यानी विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। इसके इस अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई बाह्य बल इस पर लगाया ना जाए। इसको जड़त्व का नियम यानी कि इनर्शिया, लॉ ऑफ जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गति का पहला नियम। अगला, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, एक पिंड ये रखा है एक पिंड ये रखा है, इनके बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, इसका मतलब ये हमेशा आकर्षक होते हैं, ठीक है, ये हमेशा कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये आकर्षक होता है, ये भी न्यूटन ने ही बताया था एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, ठीक। ओके, ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने वाली पद्धति है, यह योजना मॉनिटर करने वाली पद्धति इसे शुरू मॉनिटर करने वाली पद्धति है, इसे शुरू किसने किया है? तो इसे शुरू किया है भारतीय रेलवे ने, ठीक है, किसने शुरू किया है? भारतीय रेलवे ने। गोपी कृष्ण निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो गोपी कृष्ण जो है वो कथक के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है गोपी कृष्ण, ठीक है। इनको अगर देखा जाए तो इन्होंने जो कथक करने की जो कला है ये शंभू महाराज से सीखी है, हालांकि इनको भरतनाट्यम भी करना आता है और इन्होंने शंभू महाराज से कथक करने की कला सीखी है। शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वादक हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये क्या बजाते हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो है जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये संतूर बजाते हैं। संतूर एक प्रकार का अखरोट की लकड़ी से बना हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये कुछ इस तरीके के शेप का होता है ऐसा, इसमें जो है ये वायर लगे होते हैं और इसको जो है वो डंडी की सहायता से बजाया जाता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ है? गोदी मतलब बंदरगाह, तो निर्जल गोदी जो है वो सबसे बड़ी जो है भारत की वो कहाँ है? मारमगांव में। और मारमगांव जो है ये कहाँ है? ये गोवा में स्थित है, ठीक। मारमगांव कहाँ है? गोवा में स्थित है। भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्नलिखित में से कौन से मंडल ने शुरुआत करी थी? तो ये शुरुआत करी थी भाई पश्चिमी मंडल ने, और पश्चिमी मंडल जो है ये मुंबई से रिलेटेड है, ठीक है, पश्चिमी रेलवे मुंबई से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए जाना जाता है? तो अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए जाना जाता है भाई केरल, 8 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये खपत है, बहुत ज्यादा है भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और 39 क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है ये क्वेश्चन किया गया है। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया गया था वर्ल्ड अर्थ डे 1970 मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1970 में मनाया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेट का, आखिरी क्वेश्चन यानी 40वां क्वेश्चन जो होगा वो हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो यूपी है, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए भैया 40 क्वेश्चन जो हमने आपके प्रैक्टिस सेट 5 के लिए सॉल्व कराए हैं। 5वां प्रैक्टिस सेट जनरल स्टडी का आपका सॉल्व हो चुका है, और इस प्रकार से जैसे हम लोग जैसे जैसे दिन बीता जाएगा वैसे वैसे अपनी तैयारी और बढ़िया करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट से इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।